हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्ची आमिया का मीठा अचार, मसालेदार मीठा अचार। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये चार कैरी इस तरह से कट करके रखा है, और ये हम गुड़ में बनाएंगे। सो यहाँ ये एक कप गुड़ है, आप चाहे तो शुगर में भी बना सकते हैं और चाहे तो दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं। हम लेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मीठे अचार में, सो सौंफ मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है, कलौंजी, जीरा, सूखी लाल मिर्च, मेथी दाना और मस्टर्ड सीड्स। हम इसमें यूज़ करेंगे सॉल्ट, हम इसमें यूज़ करेंगे रॉक सॉल्ट, और यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। और ये ऑयल गरम हो गया तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं मस्टर्ड सीड्स। जीरा, सूखी लाल मिर्च, मेथी, कलौंजी, सौंफ हम ज़्यादा ले रहे हैं बिकॉज सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, सो हम यहाँ पे सौंफ ज़्यादा ले रहे हैं। सो ये हमने ले लिया है, और चटकने की आपको खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हींग। नाउ हम ऐड कर देंगे ये कच्ची अमिया जो हमने कट करके रखा है। आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैंने इसको पील किया अच्छे से, और पील करके मैंने इसको इस तरह से कट किया है और गुठली में से पूरा निकाल दिया है। देखिए, बहुत लोग इसमें पानी यूज़ करते हैं लेकिन मैं पानी यूज़ नहीं करती बिल्कुल भी। तो मैं फ्लेम बिल्कुल सिमर पर रखती हूँ और इसमें जो पानी है उसी पानी में ये पकता है। सो मैं यहाँ पे इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये मीठा बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ये चटपटा हो इसलिए यहाँ पे हल्दी पाउडर हम यूज़ करेंगे। नाउ हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट भी बहुत कम हमें यूज़ करना है क्योंकि ये मीठा अचार बन रहा है और हम रॉक सॉल्ट भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैंने रॉक सॉल्ट और सॉल्ट ले लिया है, और इसको अब हम इसी धीमी आंच पे हम इसको गलाएंगे। जब तक ये गल नहीं जाता, आप चाहें तो इसको ढककर भी पका सकते हैं। तो अब देखिए कलर कितना शानदार आ रहा है। तो ये जब हाफ कुक हो जाएगा तब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। बहुत लोग इसमें शुगर भी ऐड करते हैं, आप चाहे तो आधा गुड़ आधा शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ टोटल गुड़ का बना रही हूँ। सो मैं इसको पकने देती हूँ ढककर। तो फ्रेंड्स देखिए ये काफ़ी गल चुका है, 50% ये गल चुका है। तो नाउ हम इसमें ऐड कर देंगे गुड़। यहाँ पे मैं एक साथ सारा गुड़ ऐड नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 3/4 कप गुड़ पहले, फिर मीठे की ज़रूरत और हुई तो हम और गुड़ ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3/4 कप गुड़ ऐड कर दिया। कई बार जो है कैरी बहुत खट्टी नहीं होती है, तो ज़्यादा गुड़ ऐड करने से जो खटास है वो हमें नहीं मिलेगा। सो
पहले हम 3/4 कप ही यूज़ करें। ये चार कैरी है, तो ये गलने देते हैं हम गुड़ को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अभी हमने गुड़ टेस्ट किया तो थोड़ा सा खट्टा है, इसलिए हमने 3/4 ऐड किया था पहले, तो हम 1/4 और गुड़ ऐड कर देंगे। तो ये 1 कप गुड़ हमने ऐड किया है इसमें, और इसको अच्छे से पकने देंगे तब तक जब तक कि ये एक तार की चाशनी ना बना लें। अभी ये चिपचिपा है तो ये एक तार की चाशनी बना देता है, तो ये पककर रेडी हो जाता है। और कैरी अच्छे से गल गई है, तो हम इसको अच्छे से पका लेते हैं ढककर। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा खट्टा मीठा कैरी का अचार तैयार हो गया, खूब मसालेदार, और इसको आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और ये बिल्कुल रेडी है, तो हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया और अभी इसको डिश आउट कर लेंगे, और ठंडा होने पर हम इसको जार में भर के, और तकरीबन 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा यदि आप इसको जार में भर के रखते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है, तो हम इसको डिश आउट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तकरीबन 7 मिनट में बन के बिल्कुल रेडी हो गया है कैरी का मीठा अचार। आप भी बनाइए, और ये जैसे ही ठंडा हो जाए तो आप इसको भर के रख सकते हैं। बहुत यमी ये लुकिंग वाइज है, और टेस्ट वाइज भी बहुत यमी है। खट्टा मीठा तीखा ज़रूर बनाइए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, कमेंट जरूर कीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।